हमारे बीच में पहुंचे हैं, हमारे प्रदेश के बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है, आप सब जानते हैं, उनका बहुत सम्मान करता हूं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे बीच में हमारे भाई हमारे रामफल कोसलिया जी, हमारे भाई मनोज कोसली जी, भाई राहुल राव जी, अनिल पालावास जी, कैलाश भाई जी, भाई अविनाश यादव जी, भाई हमारे श्याम यादव जी, राजेश यादव जी, जज नाम राकेश यादव जी रिटायर्ड जज जो हमारे नारनौल से हमारे बीच में नाम गलत लिखा हुआ था जिनका, हमारे डॉक्टर महेश जी, प्रोफेसर महेश कुमार जी, अरे भाई डॉक्टर अनिल जो जिनका नाम, भाई शिवराज सरपंच जी जिनका नाम इसमें नहीं भी आया होगा, है भाई, अरे ये सभी जो आप सब जानते हो, आप सब जानते हो कि भाई मेरे लिए आप सब मेरे अपने हो, और सभी भाई विजय जी बहुत से ऐसे साथी जिनका नाम रह भी गया होगा, सभी भाई लुकस जी बहुत से हमारे साथी, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, अगली पंक्ति में बहुत से लोग बैठे हैं जिनका नाम नहीं भी आया, राय श्याम गुमला जी बहुत समय लगाया इन्होंने दिल्ली से यहाँ पे आके चुनाव में, चेतन यादव जी महेंद्रगढ़ से आज हमारे पार्षद हैं, उन्होंने बहुत समय लगाया, हमारी बहन शेखावत जी बहुत इनकी बड़ी मेहनत रही, कृष्ण यादव जी हासी से आए इस चुनाव में, किरण पाल जी के साथ वहां बैठे हुए हैं, कमलेश सैनी जी अटेली से हमारे बीच में आए, बहुत से साथी भाई मनोज जी हमारे, बहुत बहुत हम सेठ जी का धन्यवाद करते हैं, सतपाल दैया जी ये आए वहां पे नांगल चौधरी से यहाँ पर, तो बहुत ये जय भगवान बार बार बोल रहे, इसका नाम नहीं लिया था मैंने, हमारे सुनीता वर्मा जी पटौदी हल्के से हमारे बीच में पहुंचे, बहुत से साथी हमारे नीरज यादव जी जो कि हमारे मानेसर से हमारे बीच में पहुंचे, मानेसर से ये गुड़गांव के हमारे जिला अध्यक्ष भी रहे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के, बड़े मेरे साथी हैं हमारे, बहुत से भाई विनोद भील जी दिखाई दे रहे, राजेश मांडी जी दिखाई दे रहे, दोनों महेंद्रगढ़ से हमारे बीच में आए, इतना मेहनत करी मनोज धकोरा भाई और भाई जेएमडी ग्रुप में, बहुत सभी में एक एक का नाम मैंने जैसे कहा कि भाई जिनका नाम नहीं लिया, अभी जब मैं मिलूंगा तो मैं सबका नाम ले दूंगा, बहुत से वरिष्ठ बहुत से भाई सुनील सरपंच जी हमारे भाई, बहुत से वरिष्ठ पत्रकार भी, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि कोसली और रेवाड़ी और दक्षिण हरियाणा के हमारे जो पत्रकार हमारे सारे साथी हैं, इन्होंने भी बहुत पसीना भाई इतनी गर्मी में चुनाव करा दिया, इन्होंने को भी बहुत मेहनत, हमारे महेश वैद्य दिखाई दे, बहुत वरिष्ठ पत्रकार दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, मैं इन सबका भी, क्योंकि जितने भी हमारे दक्षिण हरियाणा पत्रकार हैं सबका, और कोसली के जो पत्रकार विशेष तौर पे, आप सबका हमेशा आशीर्वाद हमें मिला है, मैं आप सबका बहुत बहुत भी धन्यवाद करता हूँ, अपने निष्पक्षता से हमारी बात पहुंचाने में अपनी तरफ से योगदान किया, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग मेरे नौजवान साथी की माताएं मेरी बहनें, आपने आज आप बहुत देर से यहाँ पे बैठे हैं, 11 बजे का प्रोग्राम था लेकिन हमने कहा भाई जो बोलना चाहता है, किसी को आज मना नहीं करना, जो बोलना चाहता है, तो बहुत साथियों ने अपनी बात रखी, तो बहुत देर से आप लोग बैठे हो, इससे पीक गर्मी का टाइम है, बहुत पसीने आपने लिए हैं, मगर मैं ये कहना चाहता हूं ये जो पसीना आपने बहाया है, इन पसीनों को आप गंगा जल मानना, और ये जो पसीना आपने बहाया है ये आपके पसीना, आपका पसीना खाली हाथ नहीं जाएगा, 3 महीने के बाद आपकी सरकार लेके आएगा, ये आपका 3 महीने बाद ये हरियाणा में आपकी सरकार लेके आए, और मैं आप सबका धन्यवाद किन शब्दों से करूं, मेरे पास कोई ऐसे शब्द नहीं है मैं जिन शब्दों से आपका धन्यवाद करूं, आपने इतना साथ दिया, आपने इतना आशीर्वाद दिया, छत्तीस बिरादरी ने, हर वर्ग ने इतना प्यार दिया इस चुनाव में, मेरे पास शब्द नहीं है
लेकिन मैं ये कह सकता हूं और मैं आत्मा से कह रहा हूं, जो विश्वास आपने व्यक्त किया है जीवन के अंतिम सांस तक, उस विश्वास पे मैं ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। मैं आपको कहना चाहूंगा उस विश्वास को मैं कम नहीं पढ़ने दूंगा। आपने जो ये विश्वास, और मैं एक और आपको बात बताऊं, मैं जब धन्यवाद कर रहा हूं, कई बातें तो शब्दों में आती है और कई बातें जो है बिना कहे भी आप समझते हो, आप समझ सकते हो कि आज धन्यवाद मैं 9 के 9 हल्के में करूंगा, उसका पूरे हरियाणा के अंदर, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट हरियाणा में रहा है, हर जगह हम जाएंगे। लेकिन धन्यवाद करने भाई, दिल्ली से निकल कर दीपेंद्र सबसे पहले कहीं पहुंचा है तो कोसली में पहुंचा हूं, आपके बीच में पहुंचा सबसे पहले, आज सबसे पहले, इसके बाद मैं झज्जर जाऊंगा, आज दोपहर को झज्जर में प्रोग्राम है, आप समझ सकते हैं। तो आज आपका धन्यवाद करने, तो आपने, आप सबने, सबसे पहले तो मैं देश की बात करूं, 2 मिनट, फिर प्रदेश की बात करो, फिर कोसली की बात हम करें। देश में भी जो जनादेश आया है, और जिसका जनादेश का मैं समझता हूं प्रतीक रोहतक लोकसभा का नतीजा है, देश में आप सबने देश के प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए, बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान को बचाने के लिए, उस संविधान की रक्षा करने के लिए आपने यहां पे आशीर्वाद दिया, वो आपका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाने देगा, जाने जाएगा। वो उस संविधान के और इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए अब आपने मजबूत विपक्ष देश को देने का काम किया है। आपने देश की, देश के प्रजातंत्र में, देश की राजनीति में एक संतुलन बनाने का काम किया है, क्योंकि देश का प्रजातंत्र, देश का संविधान, सत्ता दल के साथ साथ विपक्ष की भी उतनी बराबर की जिम्मेदारी होती है। आज हो सकता है कि संख्या बल भाजपा के पास फिर लौट के आई हो, लेकिन देश के लोगों ने नैतिक बल अगर दिया है तो देश के विपक्ष को और इंडिया के गठबंधन को नैतिक बल देने का काम किया है। आज बहुमत से बहुत दूर रही भारतीय जनता पार्टी देश में, खासतौर पर जो उत्तर भारत के हमारे प्रदेश थे, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान, इन प्रदेशों में अगर देखें तो आधे आधे में फैसला बराबर बराबर का फैसला हुआ। बड़े बड़े प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जैसे प्रदेशों के अंदर, तो ये जो फैसला दिया आपने देश में, जैसा कहा गया है कि अहंकार किसी का सारे मन नहीं चलता, भारतीय जनता पार्टी को एक अहंकार हो गया था, आज उस अहंकार को भी, अहंकार पे भी चोट मारने का आपने काम किया। आपने देश के हमारे देश के संविधान, बाबा साहब द्वारा निर्मित उस संविधान को बचाने का भी काम किया है। सत्तारूढ़ दल के अहंकार को भी आपने, अहंकार पे भी चोट मारने का काम किया है, और आपने प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम किया है, प्रजातंत्र में संतुलन बनाने का काम किया है। ये जो देश में दिल्ली में जो बनी है माइनॉरिटी की सरकार है, अल्पमत की सरकार है, जन भावना हमारे साथ है, संख्या बल इनके साथ है, लेकिन जन भावना देश की हमारे साथ है, क्योंकि इनके पास सब कुछ था जब ये लड़ाई लड़ी गई, सत्ता बल इनके पास था, मीडिया बल इनके पास था, धन बल इनके पास था, लेकिन उसके बाद भी देशवासियों की जन भावना हमारे साथ थी, इसीलिए बराबर का विपक्ष देश में उठ के खड़ा हो गया है। ये वही कहानी बनी, मुझे याद है यही इसी स्टेज से ये बोरा जी जो है, जगदीश जी, ये नए नए आंकड़े निकालते हैं। इन्होंने एक आंकड़ा निकाला था कि बीजेपी ने नारा दिया था 75 पार हरियाणा में, और वो 75 पार से बीजेपी आगे 40 पे, ये जो नारा है उसी रेशो, इन्होंने वही रेशो निकाल दी थी कि उसी रेशो से 400 पार का नारा 230 पे पहुंच जाएगा, इन्हें यही बता दिया था। तो ये मैं समझता हूं कि ये जनता जनार्दन है, जनता के पास शक्ति है, आप सबके पास शक्ति है, तो आपने संविधान को बचाया, आपने प्रजातंत्र को देश में बचाने का काम किया, मैं आपको बधाई देता हूं। दूसरी बधाई हरियाणा में मैं देना चाहता हूं, जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में ऐसा नतीजा कभी कहीं देखा नहीं गया, ऐसा नतीजा हरियाणा में आया। देश में इंडिया गठबंधन की अगर देश में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत कहीं एक प्रदेश में आया तो 48%, 47.6%
इंडिया गठबंधन का 28 राज्यों में अगर सबसे ज्यादा मत प्रतिशत किसी एक राज्य में मिला तो हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं नाम लगा देता। सबसे ज्यादा मत प्रतिशत भाजपा से 2% ज्यादा मत हमें मिले, हमारी 5 लोकसभा सीट आई हरियाणा में। लेकिन उसके साथ साथ 46 विधानसभा सीटों में हमें बढ़त मिली और भाजपा को केवल 44 विधानसभा सीटों में बढ़त मिल पाई, उनसे ज्यादा। भाजपा वाले कहते थे कि हमारे पास चेहरा है, प्रधानमंत्री जी का नाम लेते थे, वो कहते थे कि सबसे बड़ा चेहरा है। और क्या भाजपा वाले कहते थे कि वही हमारा सबसे बड़ा, उनके आधार पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। और इसीलिए पिछली बार लगभग 80 सीटों पे हरियाणा बढ़त मिली थी जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, तो भाजपा की 10 की 10 सीट आई और 79 सीटों पे 79 सीटों पे उनको बढ़त मिली और कांग्रेस को उस समय केवल मात्र 10 सीटों पे बढ़त मिली थी। लेकिन जब विधानसभा की बात आई और जब उनका नतीजा अच्छा नहीं रहा, वो 40 पे रुक गए और कांग्रेस की बराबर की 33 सीट आ गई, तो हमने कहा कि उतना बड़ा चेहरा हमारे पास नहीं था। अब तो जब उस चेहरे से आपने चुनाव लड़ा तो आपसे ज्यादा विधानसभा सेगमेंट्स में हमारी बढ़त आई, हमारी 40। अब 3 महीने के बाद क्या होगा उसका अंदाजा लगा सकते हैं। जब आप 3 महीने के बाद क्या होगा उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज हरियाणा के लोगों ने एक और, मैं आपको बताऊं एक जादुई एक आग्रह एक और बताऊं, 10 की 10 लोकसभा सीट पे चाहे हमारी 5 में जीत हुई हो, बाकियों में बहुत नजदीकी मुकाबला रहा हो, लेकिन 10 की 10 सीट पर कांग्रेस के 1% में भारी बढ़त हुई है, भारी बढ़ोतरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के 1% में भारी गिरावट आई है 10 की 10 सीट में। जिन सीटों पे हम नहीं भी हमारी सफलता मिली, भिवानी महेंद्रगढ़ जैसी सीट जहां पे बहुत नजदीकी मुकाबला रहा, वहां भी कांग्रेस की 1% में 21% बढ़ोतरी हुई पूरे प्रदेश में हासिल। और एक और मैं बता दूं, 90 की 90 विधानसभा सीटों में, यह भी एक जादुई बात, पहली बार ऐसा हुआ होगा, 90 की 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की वोटें बढ़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी की वोट घटी है 90 की 90 सीटों। यानी कि हरियाणा के कोने कोने में कहीं भी हरियाणा के किसी कोने में कोई सीट हो, हरियाणा के कोने कोने से एक आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार हरियाणा की जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। ये हरियाणा वालों ने बदलाव का अपना स्पष्ट संकेत दे दिया है, बदलाव का रास्ता साफ कर दिया है, क्योंकि ये 10 साल की सरकार हरियाणा की ऐसी विफल सरकार साबित हुई है, जिस सरकार में जो हरियाणा विकास में सबसे आगे हुआ करता था, खुशहाली में, आज बेरोजगारी में सबसे आगे हो गया वो हरियाणा, आज बदहाली में सबसे आगे हो गया वो हरियाणा, हर वर्ग को की अनसुनी सरकार, हर वर्ग का अपमान इस सरकार ने किया। 10 साल तक मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े विधानसभा क्षेत्र कोसली के अंदर, पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री खट्टर साहब आए नहीं एक दिन भी, बड़े बड़े विधानसभा क्षेत्रों में ही नहीं गए ये देखने की भाई कुछ काम करें, विकास करें, हर वर्ग की सुनवाई करें। एक अहंकारी एक सरकार ऐसी चली, आज हरियाणा गरीब आदमी की सारी योजनाएं बंद कर दी हरियाणा में, आज हरियाणा प्रदेश का हर वर्ग इस सरकार से दुखी हो गया और दुखी होने के बाद हर वर्ग ने बदलाव का मन बना लिया। 3 महीने के बाद आपकी सरकार बनेगी, वो कोसली की सरकार होगी और मैं ये कह सकता हूं आपको, ये जो 10 साल जो भी कहा यादवेंद्र जी ने सही बात कही, 10 साल जो विकास के मामले में जो हमारे इलाके के साथ भेदभाव हुआ और ये इलाका विकास के मामले में 10 साल वो काम नहीं हो पाए, 10 साल की सारी कमी कसर कोसली हलके की 3 महीने के बाद पूरा करने का काम करें। ये मैं आज आपको कह के जा रहा हूँ, एक बात इस बात को आप समझना दिल से, क्योंकि आप समझ सकते हो भाई, जो ये कमी रहेगी 10 साल में इस सरकार में भाई जो है, 3 महीने के बाद जब आपकी सरकार बनेगी भाई, सारी 10 साल की जो भी कमी इनके विकास में रही है, ब्याज समेत भाई कोसली हल्के की पूरा करने का हम काम